तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सिलॉजिज्म से मॉडल टू, जहां पर हम पॉसिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक मॉडल वन में हमने कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहां पर हमें वेरीफाई करना था कि दिए गए कंक्लूजन में से कौन से कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे मॉडल टू में कि कौन सी पॉसिबिलिटी है जो दिए गए स्टेटमेंट्स को लॉजिकली फॉलो करती है, राइट। सो बेसिकली यहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे जो कि पॉसिबिलिटी के फॉर्मेट में होंगे, और हमें चेक करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी एक्चुअली पॉसिबल है, राइट। ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं, देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर दो स्टेटमेंट्स है, क्या है, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, नो बोर्ड्स आर कार्ड्स, और दो कंक्लूजन्स हैं। बेसिकली पॉसिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस में भी इन्हें कंक्लूजन्स ही कहा जाता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल पॉइंट पढ़े यहां पर तो देखेंगे कि ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर्स इज ए पॉसिबिलिटी, यानी ये एक पॉसिबिलिटी फॉर्म है, राइट। ऑल कार्ड्स पेपर्स हो सकते हैं, राइट, ऐसा यहां पर दिया गया है। एंड सेकेंड जो कंक्लूजन है वो है ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज ए पॉसिबिलिटी, यानी ये कह रहा है कि ऑल बोर्ड्स या सारे बोर्ड्स भी पेपर्स हो सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी इन स्टेटमेंट्स को फॉलो करती हैं, राइट। तो इसका प्रोसेस भी सेम रहेगा, हमें वेन डायग्राम्स फॉलो करना है वेरीफाई करने के लिए कौन से पॉसिबिलिटीज करेक्ट हैं। लेकिन एक डिफरेंस यहां पर यह होगा कि मॉडल वन में हमने देखा था कंक्लूजन तभी हम सही मानेंगे जब वो सारे डायग्राम्स को सेटिस्फाई करता हो, अगर एक भी डायग्राम में फेल हो जाए तब वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी में ऐसा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में हमें सिर्फ एक ही डायग्राम ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें ये सही हो, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इसे हम सही मानेंगे, अगर हम कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटी सही हम प्रूव कर सके देन इसे हम गलत मानेंगे, राइट, जब इसे हम रॉन्ग कह सकेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो स्टेटमेंट है सम पेपर्स आर बोर्ड्स, सबसे पहले बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, सो ये हो गए पेपर्स और ये है बोर्ड्स, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, एंड नो बोर्ड्स आर कार्ड्स, नो बोर्ड्स आर कार्ड्स, यानी बोर्ड्स और कार्ड्स के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, नो बोर्ड्स आर कार्ड्स। अब देखते हैं दी गई पॉसिबिलिटी को, फर्स्ट वन क्या है, ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर्स इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सारे कार्ड्स ऑल कार्ड्स पेपर्स हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं। अब बेसिक डायग्राम के अनुसार तो ये गलत होगा, अगर आप बेसिक डायग्राम चेक करें तो कार्ड्स और पेपर्स बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत होता अगर कंक्लूजन फॉर्म में होता तो। लेकिन यहां पर क्योंकि ये पॉसिबिलिटी फॉर्म में है हम इसे रॉन्ग नहीं कहेंगे, हम सिर्फ एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये सही हो सके, और वो डायग्राम ड्रॉ करते समय हमें किसी भी स्टेटमेंट को वायलेट नहीं करना है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, सी हमें पता है कि कार्ड्स बोर्ड से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, कार्ड्स और बोर्ड्स के बीच में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि क्लियरली दिया गया है नो बोर्ड्स आर कार्ड्स, लेकिन कार्ड्स यहां पर पेपर्स से बिल्कुल इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। कार्ड्स को बोर्ड्स को टच करना मना है, लेकिन पेपर्स को तो टच कर ही सकते हैं। तो अगर हम इसे बेसिक मान लें C1, हम कार्ड्स को और भी कई पॉसिबल फॉर्म्स में ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें से एक ऐसा होगा C2। अगर हम कार्ड्स को इस तरह ड्रॉ करें, नथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दिया गया था, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, यस सम पेपर्स आर बोर्ड्स, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, नो बोर्ड्स आर कार्ड्स, अगर आप देखें नो बोर्ड्स आर कार्ड्स, बोर्ड्स और कार्ड्स के बीच में बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, और इस पॉसिबल डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि ऑल कार्ड्स आर पेपर्स, देखें ऑल द कार्ड्स आर पेपर्स, सारे कार्ड्स जो है पेपर्स के अंदर है, ऑल कार्ड्स आर पेपर्स, तो ये पॉसिबल है, यस। तो इसीलिए ये फर्स्ट कंक्लूजन जो कि एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी है सही होगी। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, राइट। बेसिकली जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं काफी इजी होते हैं व्हेन कंपेयर टू कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस से, राइट। यहां पर सिर्फ हमें एक ही डायग्राम ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें ये सही हम प्रूव कर सके बिना स्टेटमेंट्स को वॉयलेट किए हुए, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये सही होगा, अदरवाइज इसे हम रॉन्ग कहेंगे। देखते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी, ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब हमें ये चेक करना है कि क्या सारे बोर्ड्स पेपर्स हो सकते हैं, Yes, बिल्कुल हो सकते हैं, इसके लिए तो हमें डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम पेपर्स आर बोर्ड्स, देखें स्टेटमेंट में क्या दिया गया था, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, सम A's आर B's। अब अगर आप याद करें सम A's आर B's के डायग्राम जो हमने देखे थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, सम A's आर B's को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, A's और B के बीच में, A और B के बीच में कुछ सेक्शन ओवरलैप हो सकता है, या फिर A और B हम दोनों इक्वल सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, यस नो। तो इसीलिए सम पेपर्स आर बोर्ड्स को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये है पेपर्स और यही है बोर्ड्स, ऑल पेपर्स आर बोर्ड्स, लेकिन यहां पर हम सम पेपर्स आर बोर्ड्स भी प्रूव कर सकेंगे, यानी सम पेपर्स आर बोर्ड्स का एक जो पॉसिबल डायग्राम है वो ये है,
यह है बेसिक डायग्राम, सम पेपर्स आर बुक्स, और ये हो गया पॉसिबल डायग्राम। और इस पॉसिबल डायग्राम में अगर आप चेक करें, ये सेटिस्फाई होता है, ऑल बोर्ड्स आर पेपर्स, ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर इज पॉसिबल, ऑल बोर्ड्स आर पेपर्स, पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है, यानी ये सेकंड वाला भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ कंक्लूजंस 1 एंड 2 फॉलो द गिवन स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल केस होता है पॉसिबिलिटी का, हमें सिर्फ एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें ये हम प्रूव कर सके। और अगर आप कंक्लूजन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा।